सिक्योर लाइफ, शिक्षा से सफलता तक। ये डायमंड के रूप में तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 23 महीना लगा है, 23 महीना दोस्तों, 23 महीना। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार टाइगर टीम। दोस्तों हर लोगों का कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है, और मेरा भी एक ये ड्रीम्स था, इंतजार था ये दिन का, ये घड़ी का। वो घड़ी आज आ चुकी दोस्तों, और मैं आज दोस्तों मेरी फीलिंग्स के बारे में बताऊं तो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे लोगों को देखा था कि जो सेलिब्रिटी की तरह, जैसे आज हमारा सम्मान हुआ है, ऐसे सम्मान होते हुए देखा था। लेकिन तभी दिल में आग लगती थी कि यार वो सेलिब्रिटी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और दोस्तों वो दिन आज मेरी जिंदगी में आ गया, और आज जो आज मेरे को सम्मान मिला है दोस्तों, तो सम्मान के लिए मैं हमारे ग्रेट मेंटर धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों, कि जो हमारे गेस्ट बन के कीमती समय में से, बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के यहीं पर आए हैं दोस्तों। हमारे ग्रेट क्राउन लीडर मिस्टर माधव माकुर जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, थैंक यू। बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उनकी मैं वीडियो भी सुन के मोटिवेट रहता था। हमारे विजयपाल माकुर जी, जोरदार तालियां दोस्तों, कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है कि ऑडियो वीडियो सुन के मेरे को बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। और हमारे जसवीर माकुर जी दोस्तों, कि मेरे अंदर आग लग जाती थी जब वीडियो सुनता था, तो जोरदार तालियां दोस्तों हमारे ऐसे ग्रेट मेंटर के लिए। और लगता था कि अगर गाड़ी रुक गई है तो धक्का लगाना पड़ेगा, सिर्फ बस विकास माकुर जी की आवाज सुन ली, कान में आ गए दोस्तों, तो गाड़ी दौड़ने लगती थी। हमारे विकास माकुर जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत बड़ा सहयोग है हमारे, थैंक यू। और दोस्तों आज मैं यहीं पर हूं, ये स्टेज पर हूं, आज मेरे को ये जिंदगी मिली है दोस्तों, और ये जिंदगी, ये खुशियां बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। तो हमारे ग्रेट और ग्रेट पर्सनालिटी ग्रेट महागुरु जी, हमारे डीपाल महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार जोरदार तालियां, थैंक यू। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो दोस्तों मैं आज यहीं पर नहीं होता, यहीं पर नहीं होता। लेकिन हमारी लाइफ में कहां वो थे, कहां मैं, और भगवान ने, संयोगों ने हमारे एक दूसरे को मुलाकात करवा दिया, और मैंने भरोसा किया। तो दोस्तों आज हमारे दीपाल माहुर जी की बदौलत आज मैं यहीं पर हूं, आज मेरे घर में सारी खुशियां हैं, तो उनकी बदौलत दोस्तों, जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां, थैंक यू। तो पहले की लाइफ में मैं कुछ बताना चाहता हूं, मेरी लाइफ क्या थी और आज क्या है। दिल में सपना तो बहुत थे, उम्मीद थे, क्योंकि मैं पोरबंदर गांधी भूमि, जो वीरों की भूमि मानी जानी जाती है दोस्तों, वीरों की भूमि, जहां पैदा हुए थे महात्मा गांधी जी, कृष्ण भक्त सुदामा जी, उनके बगल के गांव में धीरूभाई अंबानी वगैरह की स्टोरी सुनता था तो लगता था कि यार वो महान हस्ती बने हैं, वो वीर पुत्र बने हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। और वही उम्मीद के बीच में कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा चाहता था, तो पोरबंदर से शिफ्टिंग होकर सूरत आया, और ये मेरी मंजिल के बीच में बहुत कुछ काम किया मैंने। फैब्रिकेशन का बिजनेस किया, टेक्सटाइल का किया, कंप्यूटर डिजाइनिंग का किया, बहुत कुछ करने के बाद भी मेरे को सफलता नहीं मिली थी। और सोचते हैं जो भेजा सोचता है, और हम जो चाहते हैं कहीं ना कहीं से वो हमें मिल ही जाता है। और जो बोलते हैं ना कि जो दिल से चाहो पूरी कायनात उनको दिलाने के लिए आ जाती है, यस के नो, यस के नो। और दोस्तों मैं भी चाहता था, लेकिन उनका वक्त तो थोड़ा दूर था, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में वो वक्त भी आया। मैं एलएनटी में जॉब कर रहा था, मेंटेन नहीं हो रहा, साइड बिजनेस भी कर रहा था, लेकिन उसी वक्त हमारी लाइफ में दोस्त, जोरदार तालियां हमारी कंपनी के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों, थैंक यू। जब प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, मेरी वाइफ के साथ दोनों बैठ के देखा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि जिंदगी यहीं से बदल सकती है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि जहां से जिंदगी बन जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर कुछ भी नहीं था।
तो तभी तो मेरे दिमाग का ढक्कन नहीं खुला, ढक्कन बंद हो गया था। मेरी वाइफ ने शुरुआत किया, कुछ समय अकेली करने के बाद जब चेक आने लगा, जब धीरे धीरे काम होने लगा, बाद में मेरे को बिलीव हुआ कि अगर मेरी जिंदगी बदलनी है, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, अपना नाम और पहचान बनानी है, तो L&T से नहीं हो सकता है। अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर लाइफ ही मेरे जिंदगी के लिए, सिक्योर लाइफ। थैंक यू। और दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, लेकिन उसी वक्त हमारी सिस्टम की ओर से एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारे मेंटरों की तरफ से, जो ट्रेनिंग का नाम है दिशा ट्रेनिंग। और ऐसी एक ट्रेनिंग जयपुर में ऑर्गेनाइज हुई थी, और वहीं पर हमारे दीपाल महागुरु जी की वजह से मेरे को मौका मिला, और 4 दिन L&T में छुट्टी लेके मैं वो ट्रेनिंग में चला गया। और वहीं जाने के बाद मेरे को मेरा पावर समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूं और अभी क्या कर रहा हूं। यह पावर समझ में आने के बाद L&T का 4 दिन का छुट्टी लेके जो गया था, वो ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों आज तक L&T पर छुट्टी है, आज तक नहीं गया हूं L&T में दोस्तों, आज तक नहीं गया हूं। थैंक यू। वो पावर मेरे को मिला दिशा ट्रेनिंग से कि इंसान क्या होता है, उसके अंदर क्या टैलेंट होता है और क्या करते हैं। और उसी वक्त दोस्तों हमारे दीपाल महागुरु से मुलाकात हुई, और दीपाल महागुरु जी ने मेरे को बताया कि अगर मेनन जी तू बहुत बड़ा काम कर सकता है, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो L&T तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए L&T नहीं है जिंदगी बदलने के लिए, अपना नाम पहचान बनाने के लिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो तेरे लिए तो सिक्योर लाइफ बनी है दोस्तों। थैंक यू। और मैंने हमारे दीपाल महागुरु जी के ऊपर भरोसा किया, और मैंने पूछा कि हकीकत में यहीं से आप मेरी जिंदगी बदल दोगे? महागुरु जी ने बताया कि जी बिल्कुल, लेकिन उनके लिए अगर हम जैसे बताते वैसे करोगे तो 110% जिंदगी बदलेगी। हमारे महागुरु जी ने मेरे को भरोसा दिलाया, और मैंने भरोसा किया दोस्तों कि अगर भरोसा हमें करने के बाद अगर जिंदगी में जहां कुछ नहीं होता है, हम जॉब करने जाते हैं, भरोसा करने के बाद कितना सैलरी आता है कोई भरोसा नहीं है, अगर शादी करने के बाद चलेगी कि नहीं चलेगी कोई भरोसा नहीं है, तो दोस्तों मैं कर लेता हूं। अगर हमारे महागुरु जी ने भरोसा दिलाया और मैंने भरोसे के साथ दोस्तों करना शुरू किया, बस मैं और कुछ नया काम नहीं किया दोस्तों, यहीं पर नया करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, नया तो बहुत कुछ कर चुका था मैं, लेकिन यहीं पर वो करने की जरूरत थी मेरे को कि सिस्टम जो बताती थी वो करने की जरूरत थी, हमारे सीनियर बताते थे वो करने की जरूरत थी। बहुत कुछ काम किया, लेकिन वहीं पर कोई मेरे को कोच नहीं मिले थे, ये सही है ये गलत बताने वाले कोई नहीं मिले थे, लेकिन ये सिस्टम में, ये कंपनी में हमारे महागुरु जी मिले मेरे को कि मैडम ये सही है ये गलत है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, और बस जैसे बताया वैसे करना चालू किया। महागुरु जी ने बताया तो सिर्फ बस पत्थर का लकीर दोस्तों दिमाग में ठान लिया कि पत्थर का लकीर जो महागुरु जी बताते वो करना है, और कुछ भी दिमाग में आया नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज बड़ा फख्र के साथ मैं बोल सकता हूं, आज हमारे दीपाल महागुरु जी मैं भगवान का दर्जा देता हूं कि रोज मैं भगवान को पाई लगू ना लगू, लेकिन हमारे दीपाल महागुरु जी को मैं रोज पाई लगता हूं, रोज उनको बिना याद किए बिना मैं काम नहीं करता हूं दोस्तों। आज ये मेरी जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। ये मेरे नोड़ेदरा का एक सपना था कि बड़ा नाम होना चाहिए, आज ये सिस्टम है कंपनी की बदौलत आज एक नाम है। यही मेरे नोड़ेदरा का सपना था कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए, 2-व्हीलर बाइक से चलता था, कई साल हो गए थे, लेकिन यहीं पर ये प्लेटफॉर्म पर आया दोस्तों, आज कार में चलते हैं। मेरे नोड़ेदरा का सपना था कि देश विदेश में घूमना चाहिए, लेकिन दोस्तों कभी नहीं घूम पाया था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पर आया जैसे हमारे मेंटर महागुरु जी ने बताया दोस्तों, आज यही मेरे नोड़ेदरा है कि जो देश विदेश में घूमता है दोस्तों, देश विदेश में घूमता हूं। थैंक यू। यही मैंने नोड़ेदरा का सपना था
कि अपना माँ बाप का नाम रोशन करूं, अपना खानदान में हिस्ट्री बनाऊं, लेकिन मौका नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों ये प्लेटफॉर्म मिला और ये प्लेटफॉर्म पर भरोसे के साथ काम किया। तो दोस्तों आज मैंने मेरे माँ बाप का नाम रोशन किया है, आज मेरे पिताजी माताजी बोलते हैं प्राउड के साथ कि बेटा हो तो ऐसा। आज प्राउड है मेरे माँ बाप को भी मेरे पर। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आज मैंने जो किया है मेरे खानदान में नहीं, मेरे गांव में नहीं, मेरे पूरी कास्ट में आज मैं एक अकेला इंसान हूं कि जो आज मैंने करके दिखाया। दोस्तों जो आज मैंने करके दिखाया है, थैंक यू। मेरा भी एक सपना था कि कोई अच्छी प्रॉपर्टीज में मेरा भी एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। और दोस्तों आज प्राउड के साथ बोलता हूं ये सिस्टम की बदौलत आज WTC के प्रॉपर्टी का एक मालिक हूं दोस्तों, WTC के। ये सिस्टम की बदौलत दोस्तों, ये मेंटर की बदौलत। थैंक यू। दोस्तों मैंने भी ये अचीव किया है, यहीं तक मैं पहुंचा हूं। आप लोग आज जैसे ये फंक्शन का अटेंड करने का एक हिस्सा लिया है आप लोगों ने, वैसे मेरे को भी एक मौका मिला था, लेकिन आप लोगों को यही मौका मिल गया है। लेकिन वो मौका मेरे को मिला था आगरा में हमारे दीपाल महागुरु जी का डायमंड सेलिब्रेशन देखने का। दोस्तों डायमंड सेलिब्रेशन देखने का वही मौका मिला था और यहीं से मैं गया था डायमंड सेलिब्रेशन देखने के लिए आगरा। और वहीं जाने के बाद, हमारे महागुरु जी का सेलिब्रेशन देखने के बाद, मेरा जो सपना था और मजबूत हो गया। मैंने वहीं से मुट्ठी बांधी, मैंने वहीं कसम खाई कि अगर जिंदगी में कुछ भी हो जावे, कुछ भी मेरे को करना पड़े, कुछ भी तकलीफें झेलना पड़े, खाना मिले या ना मिले, लेकिन एक बार जरूर डायमंड तो मैं बन के दिखाऊंगा, डायमंड तो बन के दिखाऊंगा, डायमंड तो बन के दिखाऊंगा, डायमंड तो बन के दिखाऊंगा। और दोस्तों वही प्लेटफॉर्म पर आज मैं डायमंड के रूप में हूं दोस्तों, डायमंड के रूप में। थैंक यू। दोस्तों लोग भी आते हैं और सपना देखते हैं कि डायमंड बनना चाहिए, यस के नो, यस के नो। आप सारे लोगों ने भी कसम खाई होगी या मुट्ठी बांधी होगी कि हमने भी डायमंड बनना है, यस के नो। दोस्तों और लोग आने के बाद लगता है कि कई साल लग जाएंगे, यहीं से होगा कि नहीं होगा, यस के नो सवाल आते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे को भी यह सवाल आया था, लेकिन हमारे महागुरु जी, हमारे मेंटर ने जैसे बताया वैसे ही मैं करता गया, दिमाग में कोई कभी कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहा। तो दोस्तों यहीं पर आने में मेरे को कई सालों नहीं लगे हैं, यहीं पर आने में कई सालों नहीं लगे हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पर मैं पहुंचा हूं, ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज पर, ये डायमंड के रूप में। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 23 महीना लगा है, 23 महीना दोस्तों, 23 महीना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।